अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सैयद शहवार। क्या हालचाल हैं सबके? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी अरसे बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और ये है भी पुरानी ही वीडियो, न्यू नहीं है, पुरानी ही। मैंने जो वीडियो शूट की हुई थी उसी को ही मैं अपलोड कर रही हूँ, और मेरा गला भी ख़राब है तो उसके लिए माजरत हुआ हूँ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और आज इनकी मैंने बर्थडे भी सेलिब्रेट करनी है। कोई ख़ास इतना एहतमाम नहीं है, बस ऐसे ही घर में ही हमने केक कट कर लेना है, क्योंकि मुहर्रम भी आ रहे हैं और फिर आगे 2.5 मंथ्स ऐसे ही गुजर जाएगा, तो इसलिए बस हमने केक कट कर लिया। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आज नादेली और आयती ज़ारा की मैंने बर्थडे सेलिब्रेट की है। है तो नहीं, होती तो सितंबर में है, 14 को आयती ज़ारा की और 15 को नादेली की, सितंबर में। तो मैं दोनों की इकट्ठी कर लेती होती हूँ, लेकिन अब आजकल कुछ सालों से, 2-3 साल से ऐसा होता है कि मुहर्रम आ जाते हैं, फिर मुहर्रम सफ़र रबीउल अव्वल तक पर नहीं कर सकते। तो कभी मैं पहले कर लेती हूँ मुहर्रम से, और कभी मैं मुहर्रम के बाद में जब रबीउल अव्वल आता है तब कर लेती हूँ। तो अभी इस दफ़ा फिर अभी कोई ख़ास सेलिब्रेशन नहीं की, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी और बस मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट थी, मैंने कोई तैयारी नहीं की। नहीं तो मैं उस बच्चों की बर्थडे ऐसे नहीं करती, मैं अच्छी खासी सेलिब्रेशन करती होती हूँ, लेकिन बस इस दफ़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, तो मैंने नहीं की और मैं कुछ कर नहीं सकी। कि थोड़ी बहुत जो भी की है वो बस सोनिया ने डेकोरेशन कर दी थोड़ी बहुत। वैसे मैंने सोचा था कि मैं कहीं बाहर जा कर लूँगी, डेकोरेशन नहीं करनी पड़ेगी, कहीं और बाहर कर लेंगे, लेकिन फिर आज बारिश हो गई तो वो सारा प्रोग्राम ख़राब हो गया, बाहर नहीं जा सके। तो हमने एक सेंट प्लेस एक्चुअली करनी थी रिवर पर, थोड़ा मौसम भी अच्छा था तो अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया। फिर हमने कहा चलो घर ही कर लेते हैं, घर में तो हमने कोई डेकोरेशन नहीं की थी और किसी को बुलाया भी नहीं, बस इसकी खाला आई हैं सोनिया चंदा, और बस फिर हमने इसी तरह केक कट कर लिया। और ट्रेजेडी हो गई, ये नादेली का केक था, आइसक्रीम केक, वो अपना लेके आया था। तो फिर हम ना केक लेके कहीं और चले गए, उनके गिफ्ट्स लेने थे, और फिर वो थोड़ी देर लगी और केक गाड़ी में रहा, और जब केक मेल्ट हो गया तो वो घर आई तो वो ज़ाहिर है फिर मेल्टेड था, और वो इस तरह से नहीं प्रॉपर था उसकी शेप कि उसको इसको कट करवाया जाता। तो फिर हमने नादेली को भी आयती ज़ारा का केक ही कट करवा दिया, तो बहुत मैसी हो गया सब कुछ। और जो आयती ज़ारा का केक था वो भी हमने कस्टमाइज़ नहीं करवाया, और बस खुद ही गए हैं और उठा के ले आए हैं। तो ऐसा होता नहीं होता, हम बड़े अच्छे से इनकी करते होते हैं, बड़े प्लान के तहत कोई ना कोई थीम होता है हमारा, लेकिन इस दफ़ा इन दोनों के लिए कोई थीम नहीं था। और नादेली इस बात पे मेरे से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी है कि ऐसे क्यों किया, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं बस कुछ नहीं कर सकी। और मेरी बहनें मुझे कहती रहीं कि करो डिसाइड, करते हैं, बस मैंने कहा नहीं करनी अभी फ़िलहाल। तो बस फिर आज छोटी सी सेलिब्रेशन ऐसे ही कर ली, बस केक कट कर लिया, और कल मुहर्रम का चांद शायद निकल आए इसलिए फिर आज ही हमने केक कट कर लिया। तो बस ये छोटी सी सेलिब्रेशन थी, कुछ इतना ख़ास किया भी नहीं। तो चलें जी आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।